बेसिक इंग्लिश कोर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव 26 लेटर्स ए टू जेड। हिंदी वर्णमाला वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स स्वर एवं व्यंजन। वॉवल्स को हिंदी में स्वर और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। टोटल 26 लेटर्स होते हैं, लेटर्स को हिंदी में अक्षर कहते हैं। 5 स्वर यानी कि वॉवल्स होते हैं, 21 व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हिंदी में भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 12 स्वर 40 व्यंजन। वॉवल्स टोटल 5 ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट्स टोटल 21। ओके, लेफ्ट से स्टार्ट कर दें, फाइन, ठीक है। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है। हिंदी के स्वर और मात्राएं, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ ए आए ओ आओ अंग आहा। अंग्रेजी के स्वर ए ई आई ओ यू। व्यंजन टोटल 40 होते हैं, का खा गा घा ढा, ये होते हैं कंठ से निकलने वाले। चा छा जा झा, चा छा जा जा या, तालों के आगे वाला टकराना, तालों के आगे वाला हिस्सा। फिर टा ठा डा ढा ढा, तालों से टकराने पे निकलते हैं। फिर ता था दा धा ना, दांतों से टकराती है। पा फा बा भा मा, दोनों होठ एक दूसरे से मिलते हैं। या रा ला वा, शा शा सा हा, छत्रंग ग्या, ये रा डा 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 डा, ये सारे रा हैं, री, जिसको हम इन चार तरह से लिख सकते हैं, एंड दिस मात्र इज कॉल्ड री। पैरेलल समांतर, कौन से अक्षर से कौन सी ध्वनि निकलती है। एप्पल, ठीक है, एप्पल से ए, एरोप्लेन ए, ये हिंदी वाला आए, जैसे कि मैं अभी पढ़ा था, ये था ठीक है ए। फिर हो गया अकाउंट, आ छोटा आ आम बड़ा आ, बी बा बटर, सी का और सा, दो ध्वनि निकलती है, नियम, सी के तुरंत बाद, अगर, जब भी, ए ओ या यू आता है तो सी से का बनता है। कैट का कैप, कट का काटना, कप कोट का। सी के तुरंत बाद जब भी ई या आई आता है तो सी से सा बनता है। सिनेमा सा, सेंटर सा केंद्र। सी के तुरंत बाद जब भी कॉन्सोनेंट्स और व्यंजन आते हैं तो सी से का बनता है, परंतु वाई ही है जो सा बनाता है। ई और आई के अलावा वाई भी ऐसा अक्षर है जो सी के बाद लगकर सा बनाता है। साइकिल सा, डी डॉग, डॉग में डा, डांग्स में डा। ई ईयर छोटी ई, एग ए आई इंग्लिश छोटी ई। अल्फा एलिफेंट ए, अब ए में क्या आ रहा है, ए छोटा आ बड़ा आ, बी बा, सी का और सा, डी डा, ई में छोटी ई और है,
फिर एफ फा, फा में एक छोटी सी मात्रा इंग्लिश में और फा हिंदी में जिसमें मात्रा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फैन, ठीक है, एफ ए एन फैन, फा. फादर पिताजी, मैन और फॉक्स फा, जी एच आई जे के. अच्छा, फिर जी में जा और गा दो ध्वनि आती हैं. गेस्ट गा मेहमान, जनरल जा सामान्य. एच हैन हा हलवाई और हंसना. अन्य अक्षरों के साथ जुड़कर एच नई ध्वनियां बनाता है, जैसे के का, के एच खा, जी गा, जी एच घा, एस सा, एस एच शा और शा. इसको दो तरह से लिख सकते हैं, आई आई छोटी ई, इंडिया आइस और आइडिया. आई से दो ध्वनियां आती हैं. जे, जे में आया जा, जग, जंगल. जे से एक ही ध्वनि निकलती है और वो है जा. के से का, काइट, का, की, चाबी. के से सिर्फ एक ही ध्वनि बनती है, वो है का. एफ फा, एच हा, जे जा, जी गा और जा, सॉरी गा और जा. आई ई, के का. एल ला, लैम्प, दीपक, ला. लेडी एल, लोटस, सॉरी लेडी एल, सॉरी लेडी ला, लोटस ला. एल से एक ही ध्वनि निकलती है, वो है ला. एम मा, मैंगो मा, मनी पैसा मा, मंकी मा. एम से एक ही ध्वनि निकलती है. फिर एन ना, नेस्ट ना, घोंसला. नेचर प्रकृति, ना कुदरत. एन से एक ही ध्वनि निकलती है, ना. ओ से हमारी ओ, औ, आ, वा. ओपन, ओपन को कैसे लिखोगे, बड़ा ओ. अदर आ छोटा. ऑरेंज बड़ा, वन वा. ओ ध्वनि से चार अक्षर बनते हैं, छोटा ओ, बड़ा ओ, आ वा. पी पा, पैरट पा, पेपर पा, पेपर. इट्स पी ई डबल पी ई आर, पेपर पा. पी से एक ही ध्वनि निकलती है, वो है पा. नेक्स्ट है क्यू प्लस यू इक्वल्स टू क्वा, आधा का और वा. क्यूइन, क्यूइन क्वा, क्वेश्चन क्वा. क्वेस्ट, खोज और सर्च और तलाश. क्वेस्ट का मीनिंग है ये. एल ला, एम मा, एन ना. ओ, ओ का है बड़ा ओ, छोटा ओ, आ वा. फिर पी पा, क्यू क्वा. आर रा, रैट रा, रन रा, दौड़ना. रेडियो रा. आर से एक ही ध्वनि निकलती है, वो है रा. एस सा, सॉल्ट सा, सॉन्ग सा. सॉन्ग का मतलब गीत. एस से एक ही ध्वनि निकलती है, सा. अगर आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? अगर आपको इन ध्वनियों के बारे में नहीं पता होगा तो हमें हिंदी में लिखना मुश्किल हो जाएगा. फिर टी से टा, टाइगर, टा. टी चाय, टीचर. टी से एक ही ध्वनि निकलती है और वो है टा. यू से तीन ध्वनि निकलती हैं, यू, आ, छोटा आ और ऊ. यूनिट इकाई, यूनिट की हिंदी होती है इकाई. यूनिफॉर्म मतलब वर्दी. यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय. अम्ब्रेला आ, अननोन आ. पुट, पी यू टी, पुट. ऊ लगा इसमें, ठीक है. ओ यू टी, तो यू आया मतलब ऊ हो गया. आर रा, एस सा, टी टा, यू ऊ यू आ, वी, ओके.
जो अभी कंप्लीट हो गया, हम वी पे आ रहे हैं। वी से बनता है, वी का ध्वनि है वा, वैन वा, विक्ट्री विजय और जीत, विलेज गांव, वोट मतदान, और वेजिटेबल सब्जी। तो वी से कितनी ध्वनियाँ निकली, एक ही निकली और वो है वा। फिर है डब्लू, डब्लू वा, विंडो, एंड द नेक्स्ट वन इज वॉच। विंडो यानी खिड़की और वॉच मतलब घड़ी। डब्लू से एक ही ध्वनि निकली वो है वा। एक्स, एक्स से दो ध्वनि निकलती हैं, आधा का और सा और जा, जा के नीचे बिंदी, दैट इज कॉल्ड जा। बॉक्स, फॉक्स, ज़ेरॉक्स और फोटोकॉपी इज द सेम थिंग। तो जा के नीचे एक नुक्ता और आधा का और सा। वाई से दो ध्वनि निकलती हैं, ई और